गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम। तो कॉन्वोल्यूशन के लिए इसमें यहाँ पे हमारे पास दो सैंपल्स दे रखे हैं, एक x1n के लिए दे रखा है, एक x2n के लिए दे रखा है। अगर हमारे हमें बोला है कि कॉन्वोल्यूशन करना है, देन y ऑफ n इक्वल टू x1n कॉन्वोल्यूशन विथ क्या करेंगे x2n। ठीक है, अब कन्वोल्यूशन करना कैसे है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ जो एरो लगा हुआ है, ठीक है, उसको काउंट कर लेंगे किस प्लेस पे इस साइड से लगा हुआ है। यहाँ से काउंट करेंगे तो सेकंड प्लेस पे 2, यहाँ से काउंट करेंगे तो कितने प्लेस पे है, 3 प्लेस पे है 3। तो इस तरीके से देखेंगे कि n1 प्लस n2 माइनस 1, ये जो हमारा फाइनल कॉन्वोल्यूशन करने के बाद में जो सैंपल आएगा उसका एरो का लोकेशन कहाँ होगा उसके लिए ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, n1 यहाँ क्या है, यहाँ से काउंट करेंगे तो एरो कहाँ किस प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, तो n1 की वैल्यू 2, प्लस n2 यहाँ से कितने प्लेस पे है, 1 2 3 प्लेस पे है, ठीक है, और -1, तो 5 - 1 कितना हुआ, 4। मीन्स कॉन्वोल्यूशन करने के बाद जो सैंपल हमारा आएगा वहाँ उसमें एरो कहाँ पे होगा, 4th प्लेस पे होगा। ठीक है, तो n1 प्लस n2 - 1, n1 शो करेगा कि ये जो एरो है पहला वाला वो कितने किस वहाँ पे है, सेकंड में भी यही होगा कि n2 जो है हमारा किस प्लेस पे है, उसके हिसाब से n1 यहाँ 2 है तो n1 की वैल्यू 2, n2 यहाँ पे 1 2 3 है, उसके बाद -1 करेंगे तो ये 4, ये फाइनल कन्वोल्यूशन जो हमारा आएगा उसका सिंपल है। क्लियर है, अब कन्वोल्यूशन करना कैसे है वो हम देखेंगे। तो कन्वोल्यूशन करने के लिए इस तरीके से हम करेंगे कन्वोल्यूशन इसका, एक तरफ हम लिख लेंगे x1n, इस साइड में हम लिख लेंगे x1n, इस साइड में हम लिख लेंगे x2n के बारे में। ठीक है, तो x1n क्या है, 2 - 1 4, 2 - 1 4। x1n को इस तरीके से लिख लिया, किसी को भी x1n को इस तरफ भी लिख सकते हैं, x2n को इस तरफ, कोई भी कैसे लिख सकते हैं। x1n को यहां लिख लिया, x2n को हम यहां लिख लेंगे -1 0 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये वाले पहले को सब में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, -1 × 2 कितना आएगा, -2, -1 × -1 1, -1 × 4 -4। ठीक है, ये वाला पहला वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको यहाँ इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो भी वैल्यूज आएगी इनको हम लिख लेंगे, यहाँ -2 है, यहाँ 1 + 0 कितना हुआ 1, यहाँ -4 और +4 0, यहाँ 0 - 2 - 2, यहाँ 8। तो y ऑफ n जो हमारा फाइनल आएगा, y ऑफ n वो क्या आएगा, -2, इसको ऐड करेंगे 1, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे -2, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एरो कहाँ लगाना है, 4 पे, 1 2 3 4, मतलब -2 पे हमारा एरो लगेगा। क्लियर है, इस तरीके से करना है। जो भी दो सैंपल्स हमारे पास दिए होंगे, एक को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, एक को वर्टिकल लिखेंगे, फिर इसकी ये जो वैल्यूज रहेगी उसको सब में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, फिर इसको सब में मल्टीप्लाई, फिर इसको सब में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज़ फिर आ जाएगी उसको इस तरीके से हम लाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन कर लेंगे,
उसके बाद फिर जो भी वैल्यूज़ है उसको यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। अगर यहाँ पे एक वैल्यूज़ है तो डायरेक्ट लिख देंगे, दो वैल्यूज़ है तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे, फिर जितनी वैल्यूज़ है जिस लाइन में जितनी वैल्यूज़ इस तरीके से आएगी उसको ऐड करके लिखते जाएंगे। फिर फाइनल यहाँ जो एन वन प्लस एन टू माइनस वन से हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी वो हमारा बताता है कि एरो कहाँ पर लगाना है। तो फोर है तो 1 2 3 4, फोर पर हमने एरो लगा दिया है। क्लियर है, इसको इरेज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। एक्स वन एन हमारे पास दे रखा है, एक्स वन एन है 2 -1 3 1 5, ये हमारे पास है एक्स वन एन। एक्स टू एन है हमारे पास -1 0 1 3। अब हमें क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है। कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है तो एक तरफ लिखेंगे एक्स वन एन, ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे एक्स टू एन। ओके, एक्स वन एन यहाँ लिख लेंगे 2 -1 3 1 5, उसके बाद एक्स टू एन को यहाँ लिख लेंगे -1 0 1 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 2 -2 1 -3 -1 -5, ठीक है। अब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ज़ीरो ही आएगा, 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -1 3 1 5, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 -3 9 1 सॉरी 3 एंड 15। ओके, अब इसको वैल्यूज़ को ये इस तरीके से हम लाइनिंग करेंगे इसकी। ये इस तरीके से, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज आएगी उसको हम फाइनली लिख देंगे, yn = ये कितनी है -2 है, ये कितना है 1, ये कितना है -1, ऐड करने पे -1 आएगा, उसके बाद ये कितना है -2 और 6 4, देन ये कितना है हमारे पास यहाँ पे है 3 -3 -3 एंड -8, -8 + 3 कितना है -5 -5 -5 एंड 10 एंड 8 8 देन 15। ओके, ये फाइनल हमारी वैल्यूज आ गई। अब एरो कहाँ लगाना है, यहाँ पे पहले जो x1 x2 है उसका एरो 1 1 पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है और एरो यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब फाइनल इसका एरो कहाँ लगेगा, इसकी वैल्यूज को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, n1 की वैल्यू 4, 1 2 3, ठीक है, 4 + 3 कितना हुआ 7, 7 - 1 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की वैल्यू कितनी है यहाँ 10 है। तो हमारा ये कहाँ पे लग जाएगा, 10 पे हमारे एरो लग जाएगा, 10, उसके बाद 8 वैल्यूज़ है, उसके बाद 15 वैल्यूज़ है, तो हमारे 10 पे एरो लग जाएगा। तो डिस्क्रीट टाइम में कभी भी कन्वोल्यूशन करना होगा, दो सैंपल्स हमारे पास दिए होंगे तो इस तरीके से एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल लिख लेंगे, उसके बाद सारी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस तरीके से लाइनिंग करेंगे, फिर जो भी वैल्यूज़ आएगी सिंगल वैल्यूज सिंगल लिख लेंगे, और जो ऐड करने वाली है तो इस तरीके से जो भी ऐड करने के बाद फाइनल वैल्यूज आएगी उसको लिखेंगे, देन n1 + n2 - 1 करके हम एरो की पोजीशन देख लेंगे, n1 यहाँ से देखेंगे, n2 यहाँ से देखेंगे, उसके बाद -1 करके इसकी पोजीशन निकाल लेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।